कानपुर की यान, कॉमेडी की शान, और कॉमेडी नहीं साथ ही साथ भारत देश की पूरी शान। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ राजू श्रीवास्तव की, जो अब पहली बार जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को हंसाया है, और आज उन्होंने पहली बार हम लोग को रुलाया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि काफी समय से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे, और अब फाइनली जो न्यूज आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनका एक कुछ शब्द मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एक होता है ना इंसान की जब रूबरू मिले, जब मेरा 12th क्लियर हुआ था तब मैं उनसे मिला था एक बार, और एक फंक्शन में वो आए हुए थे, तो मैं यहाँ बैठा था, मुझसे मुश्किल से 5 से 10 मीटर दूर बैठे हुए थे। तो वो मोमेंट्स में आज जब मुझे खबर मिली तो रोंगटे और बहुत बुरा फील हो रहा है कि एक इंसान जो हमारे बीच था वो अब नहीं रहा। मैं तो बहुत दूर से देखा, 5-10 मीटर से मिला, उनकी कॉमेडी सुनी, उन्होंने जीवन भर सबको हंसाया, पर अब वो हमारे बीच नहीं रहे। तो भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को जल्दी से मजबूत उनको ताकत दे, ये इतनी बुरी खबर सुनने को, कि वो मजबूती दें कि वो अपने आप को संभाल सके। इसी के साथ उनकी कुछ लाइन जो मुझे मैं आपसे कहना चाहूँगा, वो कहते थे कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो इंसान जबरदस्ती जिंदा है। अब ये बात उन्होंने तो प्यार से गई थी उसको, जब मैंने सुना था उस दिन 2015 या 2016 की बात थी, तब बड़ा खुशी सा महसूस हो रहा था, पर आज उसी लाइन को बोलते हुए नहीं हो रहा फील खुशी। भगवान की आत्मा को शांति दे, एक कानपुर वासी होने के तहत और उनके सामने मिलने के तहत, और इतने बड़े दुनिया को पूरे भारतवर्ष को उन्होंने हमेशा जीवन भर बताया, तो ये सारी चीज़ें कभी भूल ही नहीं जा सकती हैं। रखता हूँ।